फतेहपुर में 48 शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का अर्थी जुलूस निकाला। इससे पहले फतेहपुर बीआरसी से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक सीएम नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के अर्थी के साथ जुलूस निकाला। यह जुलूस फतेहपुर बाजार के विभिन्न चौक चौराहों से होता हुआ प्रखंड कार्यालय पहुंचा, जहां सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का पुतला का दहन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार पर मनमाना करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने कहा कि जब तक हम लोग का राजकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतनमान नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। बात सुनिए, बात सुनिए, सवाल नहीं। करेंगे 17 से हम आज तक आंदोलन किए हैं, आज हमारा 22वां दिन है। अंत में जब सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है, तो अंत में हम लोगों ने सुबह बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर, आज हम फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और दोनों शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के मुजालिम अपर शिक्षा सचिव आरके महाजन का भी हम लोग पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन कार्यक्रम करने का हमारा मेन मकसद है कि इससे भी माननीय मुख्यमंत्री जाने कि जो शिक्षक पूरे बिहार में नियोजित शिक्षक शिक्षिका उग्र हो गया है, वे जल्द इस बात को मान ले और अभी उनके पास वक्त है। यदि वह हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो अगला मेरा कार्यक्रम सुबह बिहार में होगा। हम विद्यालय स्तर, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में और गांव में घूम घूम के अभिभावक को बताएंगे, समझाएंगे कि आपके नवासी फसीदी जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी हकमारी बिहार सरकार करना चाहती है। आप बताइए, हमारा पेट जब भूख से विक्षुब्ध रहेगा, हमारा ननिहाल बच्चा जब बिस्तर पर बीमार पड़ा रहेगा, हमारे माता पिता जब दो टुक रोटी के लिए बेचैन रहेंगे, तो हम विद्यालय में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हम विद्यालय में मानसिक तरीके से डिस्टर्ब रहेंगे और गुणवत्ता शिक्षा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि हमारी राजकर्मी का जो मांग है, राजकर्मी का दर्जा दे दे, और राजकर्मी का दर्जा यदि दे देंगे तो मैं पूरे बिहार के शिक्षक उनके साथ रहूंगा, अन्यथा आने वाला समय में हम आंदोलन को उग्र करूंगा और पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर हाथ फैला के शपथ लूंगा। और शपथ यही लूंगा कि जो हाल झारखंड में रघुवर दास का हुआ है, जो हाल दिल्ली में मनोज तिवारी का हुआ है, वही हाल बिहार में माननीय सुशासन के मसीहा नीतीश कुमार को कर देंगे।